इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों लेकर आया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज आपके सामने। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RAHULBHOJ, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट यह है कि हमें पता है जहां पे गौतम गुलाटी आए हैं वहीं देबोलीना आई हैं और साथ ही साथ दोस्तों रश्मि देसाई आई हैं। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो काम्या पंजाबी भी घर के अंदर आई हैं। जी हाँ, काम्या पंजाबी घर के अंदर आई हैं और ये बात दोस्तों सामने आई है जहां पर उन्होंने राजीव की क्लास लगा दी है। राजीव की क्लास क्यों लगाई, किसके लिए लगाई, आइए बात करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हमें पता है कि राजीव ने बाहर क्या हंगामा चल रहा था ईशान मायशा को लेकर, ईशान की सेक्सुअलिटी के ऊपर ये सारी बातें बाहर आई थी और राजीव ने घर के अंदर आकर उन्हीं बातों को बोला। सलमान साहब ने हालांकि क्लैरिटी के साथ चीजें रखी हैं, बोला है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये बातें मायशा लेकर आई है, राजीव तो सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ कंसर्न था। ये बातें क्लियर है, लेकिन काम्या पंजाबी ने दोस्तों अब साफ तौर पर एक बात बोल दी है कि राजीव तुमने जो बाहर की बातें अंदर करी हैं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ईशान को लेकर। और यही बताना चाहती हूँ मैं तुम्हें कि इस तरीके की गलती कभी भी ना करें। दोस्तों ये बिग बॉस के घर में ऐसा होता ही रहता है। बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स की अलग चीज़ें चलती हैं और फिर बाहर आती है, फिर उसके बाद बाहर आके जो है चीज़ें बोली जाती हैं। तो इसका मतलब कि काम्या पंजाबी भी आई हैं, काम्या पंजाबी आकर एक डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट देके गई हैं, एक सही सलाह देकर गई हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।